तो हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो कल परसों मैंने एक वीडियो डाल ली थी, हफ्ता पहले वीडियो डाल ली थी। उसमें मैंने बोल रहा था कि भाई मैं करनाल लोकसभा सीट का वोटर हूँ और मैं खट्टर साहब को वोट करूँगा इस तरह से। तो उसमें ना कई हमारे यार दोस्तों को थोड़ा ख़राब लग गया कि यार ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। तो बात ये नहीं है, असल में मेरी सोच ये थी कि भाई जो खट्टर साहब ने जो भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो ना मेरे को कहीं ना कहीं कमज़ोर लग रहा था। क्यों कमज़ोर लग रहा था? क्योंकि खट्टर साहब जो है हरियाणा का पूरा मुख्यमंत्री, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो मतलब अभी इससे पहले मतलब नाम नहीं सुना था उस बंदे का हमने, कम से कम मैंने नाम नहीं सुना था कि इस नाम का कोई कांग्रेस का नेता है मार्केट में। तो अब कांग्रेस ने उसको टिकट दी, बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप वोट लेने आ रहे हो तो हमारे को सवाल तो पूछना है। वो एक फिल्म आई थी अभी, उसमें वो हीरो कहता है कि यार आप जो आपका वोट लेने आया, आपसे वोट मांगने आया, उससे पूछना कि तुम अगले 5 साल तक मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो में कि तुमने पहले चुनाव से पहले तुमने क्या तैयारी करी और चुनाव के बाद तुम हमारे लिए क्या करोगे। चुनाव के बाद की छोड़ो, चुनाव से पहले अब तुम वोट ले रहे हो तो उससे पहले तुमने हमारे लिए क्या किया, किस नाम पे वोट दे हम तुम्हारे को। मिसाल के तौर पे जैसे मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी कर दी, तो 2000 उस टाइम पे ये बंदा कहीं दिखाई दिया विरोध करता हुआ कि भाई मोदी जी ने ये गलत करा है। फिर मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया तो ये बंदा कहीं नजर आया आपको कि भाई मोदी जी ने ये गलत करा। अरे जब आप गलत का ही विरोध नहीं कर सकते हो तो फिर वोट किस बात की फिर आपको दे भाई। NRC कर दिया, GST लगा दिया, किसी चीज में मतलब बंदा नजर नहीं आ रहा है। जब विपक्ष का बंदा जब नजर नहीं आ रहा है किसी खिलाफ, सरकार की किसी भी स्कीम के खिलाफ बंदा नहीं बोल रहा आगे, तो वोट कैसे करे फिर, उसको किस नाम पे वोट करे। जब विरोध नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब सरकार काम सही कर रही है, और जब सरकार काम सही कर रही है तो फिर सरकार को उसी को वोट दे लेंगे भाई, आपको क्यों दे तो जब तो वोट तो उसी को दे लेंगे ना, जब मोदी जी सही काम कर रहे हैं। आप लोग विरोध नहीं कर रहे हो मोदी जी किसी बात का, और जब इसका मतलब मोदी जी काम सही कर रहा है जब मोदी जी सही काम कर रहा था फिर वोट मोदी जी को देंगे यार, तुम्हारे क्यों देंगे। तो अपना कहना सिर्फ इतना है भाई, गलत को गलत कहने की तो हिम्मत रखो कम से कम, और तो तुम हमारे लिए क्या भला कर दोगे हमारा, और भले की तो उम्मीद क्या करे। जब तुम गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं कर सकते बाकी करोगे क्या। तो भाई मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है। देख भाई यार कितना मोटा सांप जा रहा है, ये देख लो, देखो कितनी मोटे सांप की पैड है यार। सवेरे घूमे आओ मॉर्निंग वॉक पे तो ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ। तो मेरी से तो भाई मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये ऐसा बोल रहा है या वैसे बोल रहा है। आप मेरी वीडियो को सिर्फ इंटरटेनमेंट समझ के देखो। वोट मैं, मेरी बात से आप ये अंदाज़ा नहीं लगाना कि मैं BJP को वोट करने वाला हूँ या मैं कांग्रेस को वोट करने वाला हूँ। ये तो मैं जब मशीन पर जाके खड़ा होऊंगा जब ही मैं डिसाइड करूँगा मेरे को वोट किसको करनी है। तो भाई मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ लगती है या किसी की भावना आहत हो रही है तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।